सलमान खान के घर पर दिन दहाड़े गोलीबारी के इंसिडेंट के बाद पूरे देश भर के फैन सकते में। और जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सलमान खान की सुरक्षा की गारंटी ले ली और बिश्नोई समाज का जिक्र किया, तब एक बात तो क्लियर हो चुकी कि सलमान खान के दुश्मन है बिश्नोई समाज के गैंगस्टर जिसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को पहले भी जान से मारने की धमकी दे चुके हैं, बट इस बार लिमिट हो चुकी है। एक्चुअली बिश्नोई समाज ब्लैक बक को पूछता है और काले हिरण के शिकार वाले मामले में सलमान खान आरोपी हैं। इसलिए बिश्नोई समाज कहता है कि सलमान खान जब तक हमारे गांव में आकर माफी नहीं मांगेंगे और स्वीकार नहीं करेंगे उन्होंने गलती की है, तब तक उनकी जान का खतरा बना रहेगा। लॉरेंस बिश्नोई इसी बात का फायदा उठाता है और ऑनलाइन उनको धमकी देता है। बहरहाल इस पूरी घटना के उजागर होने के बाद सलमान खान के फैंस को बिश्नोई समाज से काफी प्रॉब्लम हो चुकी है। लेकिन कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो ऐसे में सलमान खान के दुश्मन विवेक ओबराय ने बिश्नोई समाज की बहुत तारीफ की है और विवेक ओबराय का एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर बिश्नोई समाज की तारीफ कर रहे हैं, काले हिरण की बात कर रहे हैं और इशारे में कह रहे हैं कि हिरण को मारना कितना बड़ा पाप है। इस वीडियो में विवेक ओबराय कह रहे हैं कि इस दुनिया में केवल एक ही समुदाय है, बिश्नोई समुदाय, जहां अगर एक हिरण मर जाता है तो उसके बच्चों को बिश्नोई समाज की माताएं अपनी छाती से लगाकर दूध पिलाती हैं बच्चे की तरह और उसे अपने बच्चों की तरह रखती हैं। यानी वहां पर सलमान खान के दुश्मन विवेक ओबराय किसी इवेंट में पहुंचे हैं बिश्नोई समाज की तारीफ करने। और ये बात हम सब जानते हैं, सलमान खान का ऐश्वर्या के चक्कर में विवेक से तगड़ा झगड़ा हो चुका है और बातों बातों में सलमान खान के जाहिर दुश्मन विवेक ओबराय भी समझते हैं कि सलमान खान की जो कमजोर नस है वो है बिश्नोई समाज और बिश्नोई समाज सलमान खान से खासी नफरत करता है बिकॉज काले हिरण वाले मामले में पूरा समाज सलमान खान को दोषी मानता है। लेकिन सलमान खान से नफरत करने वाले समुदाय की तारीफ करने वाला जो वीडियो है हालांकि पुराना है लेकिन ऐसे टाइम पर लीक हुआ या वायरल हुआ है उसको देखकर लगता है कि जानबूझकर किसी की शरारत है। विवेक ओबराय हो सकता है उस टाइम इंटेंशनली उस इवेंट पे पहुंचे हों और बातों बातों में बिश्नोई समाज की तारीफ करते हों, लेकिन वो इसके पीछे सलमान खान से बदला लेने की मंशा रखते हैं इस पर पूरी क्लियरिफिकेशन नहीं हो सकती। बहरहाल टाइमिंग की बात है और टाइमिंग में हर बात गलतफहमी में तब्दील हो जाती है। अब सलमान खान के दुश्मन बिश्नोई समाज हैं और बिश्नोई समाज की तारीफ करते हैं विवेक ओबराय, ऐसे में सलमान विवेक की दोस्ती फिर से नई करवट ले सकती है और सलमान खान को ये बात कतई पसंद नहीं आएगी कि वो खुलेआम ऐसे वीडियो को वायरल कर रहे हैं जहां पर सलमान खान के दुश्मनों की खुलकर तारीफ हो रही है। बहरहाल सलमान खान के साथ पूरे देश की सिक्योरिटी है, फिर भी सलमान खान को डर लगता है बिकॉज अगर दिन दहाड़े बिश्नोई समाज फायरिंग कर सकता है तो उनकी शूटिंग लोकेशन पर, एयरपोर्ट के बाहर या किसी रियलिटी शो के मंच पर भी हमला कर सकता है। अब मुख्यमंत्री हर जगह तो सलमान खान के साथ हो नहीं सकते, सिक्योरिटी गार्ड होने के बावजूद बड़े बड़े नेताओं की, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की हत्या हुई है, ऐसे में एक बात तो तय है, सलमान खान के सितारे बहुत गर्दिश में है। एक तरफ उनकी जान को खतरा है और दूसरी तरफ उनके सो कॉल्ड दुश्मन उनके दुश्मनों की तारीफ कर रहे हैं।